मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार चीनी नागरिक को लेकर जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें कहा गया है कि चीनी नागरिक चार्ली पेंग दिल्ली में कुछ तिब्बती लोगों के संपर्क में था। उसने दलाई लामा और उनके सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कथित तौर पर विश्वास भी दी थी, जिसकी तिब्बत निर्वासित सरकार ने निंदा करते हुए ऐसी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। तिब्बत निर्वासित सरकार के डिप्टी स्पीकर आचार्य यशी ने कहा कि चीनी लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। व्यापार के माध्यम से आया था और यहां पर आकर दो नंबर के काम किए और यहां से गोपनीय सूचनाएं दलाई लामा से लेकर तिब्बतियों और भारत की चीन सरकार तक पहुंचाने के लिए मौके का फायदा उठाया। तिब्बती तो कहते ही हैं कि जो चीनी लोग आते हैं उनकी निगरानी रखनी चाहिए। हमारे द्वारा ऐसे लोगों की जांच की जाती है। जब दिल्ली में आयोजन करते हैं तो चीनी लोग मीडिया के नाम से आते हैं, जिन्हें मना नहीं कर सकते। इनका काम दूसरा है और नाम दूसरा है। ये मामला उजागर होने के बाद हमें और सतर्कता बरतने की जरूरत है। भारत सरकार, प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। उप चीनी नागरिक के माध्यम से हमारी गतिविधियां कहां से कहां पहुंची होंगी ये कोई नहीं जानता। ऐसे में हमें सतर्क रहना चाहिए और हर व्यक्ति की निगरानी करनी चाहिए। देश भर के वन मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के वन मंत्री राकेश पठानिया ने भी भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। कॉन्फ्रेंस में दो मुख्यमंत्रियों सहित देश के 30 वन मंत्रियों ने भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस लेने वाले हिमाचल के वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस को लेकर प्रदेश को 4 पॉइंट्स का एजेंडा मिला था, जिस पर हमने अपना पक्ष रखा है। नवग्रह नगर वन स्कीम को लॉन्च करने को कहा गया है, उस पर शिमला में काम किया जा रहा है तथा अब इसमें धर्मशाला और सुंदरनगर को भी शामिल किया है। योजना के तहत 2-2 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी, जिससे नवग्रह वाटिकाएं बनाई जाएंगी, इको पार्क बनाए जाएंगे और वहां फेंसिंग की जाएगी। धर्मशाला शहर में एक नया जंगल तैयार कर सके इसके लिए हम प्रयास करेंगे। टारगेट फिक्स करके उसे हमने एक साल में पूरा करना है। पठानिया ने कहा कि भारत सरकार की ओर से एक स्कूल नर्सरी की योजना आई है, जिसमें बच्चा स्कूल में नर्सरी लगाए और जब पौधा तैयार हो जाए तो बच्चा घर जाकर उसे लगाए, साथ ही गांव में भी लगाएगा। ऐसे में बच्चा पौधों को पालेगा भी और उसकी देखभाल भी करेगा। वर्तमान में प्रदेश का फॉरेस्ट कवर 27.2% है, उसे 2030 तक उसे बढ़ाकर 30% तक ले जाना चाहते हैं। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे हो उस पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए कई योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से लोगों को फॉरेस्ट्री में शामिल करेंगे। प्रदेश की नदियों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ICFRE द्वारा देहरादून में बनाई जा रही है। ये केंद्र सरकार का प्रयास है, जिसके तहत प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं उनके किनारों पर लाखों पौधे लगाने हैं, जिसमें सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, यमुना प्रदेश में आती हैं, जिनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर हमने भारत सरकार को दे दी है। उम्मीद है कि इसके लिए केंद्र से जल्द वित्तीय सहायता मिलेगी और प्रदेश इस दिशा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करेगा। पठानिया ने कहा कि एक लोडार टेक्नोलॉजी है, जिससे सॉइल मॉइस्चराइजर को सैटेलाइट के थ्रू पता किया जा सकता है कौन सा ऐसा एरिया है जो कि नीचे से सूखा होता जा रहा है। इसके लिए टेक्निक का होना जरूरी है, जिसे हम सैटेलाइट से पता कर सकते हैं। इसके लिए भी धर्मशाला और पालमपुर की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजी है, जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि सॉइल मॉइस्चराइजर कैसे कम हो रहा है।